गाइस सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं अभी आ चुकी हूँ, माफ़ी चाहूँगी कि मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी, सॉरी यार। वो एक्चुअली काम के चक्कर में ना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो क्या करूँ समझ में नहीं आता कि वीडियो बनाऊँ कि काम करूँ। सो ना मैं अकेले रहती हूँ तो सारा काम नहीं, अगर मम्मी होती यहाँ पर तो मे बी वो थोड़ा सा हेल्प कर देती मेरे साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी यार। मम्मी तो मम्मी होती है, उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। चलो उस बात को छोड़ते हैं, हम आते हैं एक नए टॉपिक पे। जो नया टॉपिक है वो है दीपिका पादुकोण पे टॉपिक। सो आप सब जानते होंगे कि क्या हुआ है, एनसीबी वाला जो ड्रग्स का चल रहा है अभी आजकल, क्या ट्रेंडिंग है। मैंने सोचा नहीं था मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा। मैं तो उनको कितना अच्छा मानती थी यार, मतलब मुझे अच्छा लगता था कि क्या एक्ट्रेस है, मतलब कैसी कैसी मूवीज़ दी उन्होंने, अच्छी अच्छी जो हिस्टोरिकल मूवीज़ हैं उनसे रिलेटेड मूवियाँ उन्होंने दी हैं। और प्लस अभी जो एक मूवीज़ आई थी जो हमारे देश के लोगों के लिए है कि मतलब लड़कियों पर आप अत्याचार ना करो, लड़कियों पे एसिड ना फेंको, ये नहीं फेंको, इस तरह की मूवी जो कर सकते हैं, मतलब वो ऐसा कर सकते हैं। आई डोंट नो कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब यार कितना भी डिप्रेशन में रहो, कुछ भी रहो, और किस चीज़ का डिप्रेशन, किससे लेना है डिप्रेशन। आपको काम करना, अगर आप अपने काम से प्यार करते हो ना तो आपको किसी चीज़ का डिप्रेशन होता नहीं है। तो अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए क्या उन्होंने सही किया है, क्या बॉलीवुड सही कर रहा है। मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को तो लगता है सारे बॉलीवुड वाले ऐसे ही हैं। एक एक ही होता है ना, वो बोलते हैं क्या, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो उसमें से एक कोई ऐसी मछली है जो इन सबको बर्बाद कर रही है, पता नहीं उसका मुँह कब खुलेगा। आई डोंट केयर, मैं तो बस देख रही हूँ, मैं और कर क्या सकती हूँ। इससे तो कुछ हो नहीं पाएगा, मैं घर बैठे कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर या ऐसा कुछ तो नहीं हूँ तो जिससे मैं कुछ कर पाऊँ। बट बाय द वे चलो फिर चलते हैं चैनल की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं कि आज मैंने क्या नया लिया है। सो मिलते हैं और देखिए कि मैंने क्या चीज़ परचेज़ की है जिसका रिव्यू मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ओके हे गाइस सो वेलकम बैक। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी मेरे पास क्या नया है। सो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या चीज़ नई लेके आई हूँ। सो आप प्लीज़ देखते रहिए। ये है एक स्पीकर जो मैंने लिया है विशाल मेगामार्ट से, और ये मैंने ले लिया था बट मैंने इसका रिव्यू नहीं किया था जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद ही समझ रही थी कि क्या है, कैसे लगाना है, क्या है, तो वो सारी चीज़ें देख रही थी। तो फिर मैंने कहा मैं एक बार समझ जाती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो प्लीज़ मैं इसका करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग, तो मैंने कर ही ली है, मतलब दिखा देती हूँ फिर भी आपको खोल के कि कैसा है, क्योंकि मैंने और चीज़ें देखी थी ऑनलाइन जाके जो काफ़ी महंगी थी और मेरे बजट में नहीं थी, तो मुझे चाहिए था अफोर्डेबल प्राइस में थोड़ा सा, जिससे मतलब बजट भी कम हो और अपना काम भी चल जाए। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लिया है मैंने। सो प्लीज़ वॉच करिए चैनल को, बने रहिए चैनल पर। भाइयों और बहनों, ये हैं हमारे चार स्पीकर जो इसके साथ रहेंगे, और ये देख सकते हैं आप इसकी क्वालिटी देखिए आप। ये चार स्पीकर हैं और साथ में आपका ये है। इस पे हम क्या है, अगर हमारे पास पेन ड्राइव वगैरह है तो वो भी हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल से भी कनेक्ट होता है, ब्लूटूथ स्पीकर है ये। और वायर से सिर्फ आपको लाइट लेनी है, सिर्फ कनेक्शन लेना है, बाकी ऐसा नहीं है कि आप बूफर को हर जगह लेके घूमें। यह है कि आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दें, और ये काफ़ी सारे मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है। आप कोई भी मोबाइल ले आइए, लावा का हो, सैमसंग का हो, हर तरह के मोबाइल से सपोर्ट हो जाता है ये, तो आप इसे ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। वैसे तो मैं बताना चाहूँगी, मैंने इसे लिया था विशाल से, इसमें जो प्राइस लिखा है वैसे तो इसमें 5000 लिखा हुआ है कि 5999, और इसके साथ टैक्सेस भी हैं, बट जब मैंने लिया था तो इतने का नहीं था, ये मुझे मिल गया था
3000 में, 3000 रुपीज़ में मुझे ये अफोर्डेबल प्राइस में मिला है। और इसकी अगर आप आवाज़ सुनेंगे ना तो आप कह देंगे कि क्या स्पीकर है। आप देखिएगा अभी मैं आप इसको लगा के सेट करके इसकी वॉइस आपको सुनाती हूँ कि कितना प्यारा बजता है यार, कितना प्यारा, मतलब सब चाहेंगे कि अपने घर में इसको रख लें यार। इतना अच्छे से साउंड आता है ना इसमें। मे बी अगर आपके पास मतलब लैपटॉप वगैरह आप उससे भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये कनेक्ट हो जाएगा। आप इससे जो भी पेन ड्राइव वगैरह हो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। आप देख सकते हैं इसके बॉक्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वूफर डायमेंशन दिया हुआ है, सब वूफर 33.5, ये आप देख सकते हैं पूरी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप इसे लेंगे। देख सकते हैं इस तरह में आपको और भी वैरायटी मिल जाएंगी, बट मुझे ये बेस्ट लगा तो मैंने इसलिए ये ख़रीदा। अब मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ, ठीक है, आप प्लीज़ देखते रहिए। सकते हैं आप लोग, मैंने ये लगा दिया है, ये चारों स्पीकर इसके साइड में, एंड ये है हमारा टैंडम का बूफर जिससे हम चलाएंगे वीडियो। अभी देखिए मैंने ऑन कर दिया, अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ तो आप इसका साउंड देख लीजिएगा। The Bluetooth device is ready to pair. देखा आपने कि क्या आवाज़ आई है इसकी। और अभी इसे हम बंद करेंगे, ये बंद हो जाएगा इस तरह से। अगर आप FM वगैरह भी चलाना चाहते हैं तो इसमें रहता है, हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आता है, बस इस वजह से हम वो नहीं यूज़ करते। क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग FM सुनते कहाँ हैं, मतलब मैं तो फ़ोन से ही सुनती हूँ। अब दोबारा मैं इसको दिखाती हूँ चला के। The Bluetooth device is ready to pair. तो मैंने आपको ये चला के दिखाया है और मैं अभी इसको बचा के भी दिखाती हूँ कि इसमें सॉन्ग कैसे चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए मेरे ऊपर। जैसे भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज वॉच द फुल वीडियो, एंड प्लीज शेयर द वीडियो, एंड प्लीज क्लिक द बेल आइकन दोस्तों। एंड लास्ट में मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, उस स्पीकर के साथ मेरे को एक रिमोट भी मिला है। इस रिमोट के थ्रू आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो, आप देख सकते हो वॉल्यूम अगर आपको स्लो रखनी है या फिर हाई रखनी है तो आप वो भी रख सकते हो। सो इसके थ्रू आप ये कर सकते हो और FM भी चला सकते हो। तो बस मेरी वीडियो में यही था। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 ही धन्यवाद है। एंड प्लीज़ जैसे हमारे सोसाइटी और हमारे जो ये बॉलीवुड एक्ट्रेस जो कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिएगा, इनसे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। सीखना है तो कुछ अच्छा सीखिए, वो भी अपने मम्मी पापा से। इन लोगों से सीखने से कोई फ़ायदा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।